शिवराज कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को अध्यादेश के रूप में लाकर कानून का रूप दिया गया। इसके साथ ही मिलावट के खिलाफ भी नए कानून को मंजूरी दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक में धर्म छुपाकर शादी करने वाले को 10 साल तक की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मिलावट के खिलाफ भी कड़े कानून बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा कि इस साल बहुत परेशानियां आई, भगवान से प्रार्थना है कि नया साल अच्छा हो। कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को कानून बनाने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं, बेटियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष सजा से लेकर अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान और 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी है। डर, लाभ या किसी अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अवैध है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म छुपाकर या अधिनियम विरुद्ध कार्य करेगा, उस पर कार्यवाही होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी 10 साल की सजा और 1,00,000 जुर्माने का प्रावधान है और इसकी शिकायत पीड़ित परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाओं, बेटियों, विशेषकर नाबालिग बेटियों, अनुसूचित जाति जनजाति के बहनों भाइयों का अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर हमने कड़ी सजा का प्रावधान किया है और ये प्रावधान न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक का है। 50,000 रुपए का अर्थदंड भी इसमें है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, पहचान छुपाकर या और कुत्सित इरादों से विवाह करना, धर्मांतरण करना, ये अवैध है। और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं, ये पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर ये कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने ये प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1,00,000 रुपए का अर्थदंड तक की सजा जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता, पिता, भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी कानून अभिभावक, अभिभावक कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक होने की स्थिति में उनके संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों के कार्य को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कार्य निश्चित समय पर नहीं किया गया तो कंप्यूटर के द्वारा वे सेवा अपने आप पहुंच जाएगी और यह क्रांतिकारी कदम होगा। खाद्य पदार्थ और दवाई में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। शिवराज ने कहा कि नकली प्लाज्मा बेचने का कार्य किया गया, जो कि बड़ा अपराध है। खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, यहाँ तक कि प्लाज्मा के नाम पर, कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी ऐसे समाचार मिले। अब नकली प्लाज्मा, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है क्या? तो दवाइयों का हो या खाद्य पदार्थों का मिश्रण, ये लोगों की जिंदगी इसे खिलवाड़ है और ये किसी भी कीमत पर मध्यप्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। इसके लिए भी हमने आज अध्यादेश पारित किया है। मिलावटी को आजीवन कारावास होगा, मिलावट करने वाले मिलावटखोर को, व्यापारी को नहीं। जहां बनती है चीज कारखाने में, मूल स्थान जो बनाने वाला है, फोकस वो है, उसको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर जेल में चक्कर चक्की पीसनी पड़ेगी। नई धारा में 273 का जोड़ी जाएगी, जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ के विक्रय पर 5 साल के कारावास और 1,00,000 रुपए तक
जुर्माना अथवा दोनों हो सकेंगे। मुझे लगता है कि मिलावट के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है उसमें एक कानून एक बहुत बड़ा इसको रोकने का माध्यम बनेगा। कैबिनेट बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विभिन्न मुद्दों को लेकर कैबिनेट में कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना वॉरियर्स की भी सराहना की गई है। ये महत्वपूर्ण निर्णय आज अध्यादेश के रूप में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दिए गए। ये साल की अंतिम कैबिनेट थी, अगली कैबिनेट अब नए साल में होगी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ये साल हमारा काफी कष्टकारी कोरोना के कारण से रहा, आर्थिक संकट भी रहा, व्यावहारिक भी था, स्वास्थ्य का संकट भी था, लेकिन नया साल का आगाज उमंग और उत्साह से हो ऐसी प्रार्थना आज कैबिनेट में सभी ने की है। आज पूरक बजट भी पास किया है। इस साल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी लोगों ने काफी परिश्रम किया, आर्थिक संकट, और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की भी तारीफ की। स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मचारी थे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, पुलिस का स्टाफ, पुलिस के जवान से लेकर अधिकारी तक दोनों में काफी लोग शहीद हुए, उन सब की भी उन्होंने आभार व्यक्त किया, तारीफ भी की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।